दोस्तों आज की स्टूडेंट्स बात करने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट से आधार कार्ड से ईएमआई पे स्मार्टफोन को कैसे परचेज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ईएमआई का ऑप्शन तो हमें फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है लगभग सभी प्रोडक्ट पे, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि सभी के पास में क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, और ज़्यादातर फ्लिपकार्ट वगैरह पे क्रेडिट कार्ड पे ही हमें ईएमआई देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट की ही सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पर आधार कार्ड से ईएमआई पे स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, और ये 100% वर्किंग ट्रिक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे आपको क्या चीजें करनी है। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको अपना अकाउंट उसमें लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, तभी ये जो ट्रिक है वो यहां पर काम करती है। अब सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो खुल करके आ जाता है। अब आपको वो प्रोडक्ट या फिर वो स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप यहां पर परचेज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहां पर मोबाइल वाले सेक्शन पर चलते हैं और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे Realme 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन लेना है, तो मैं Realme 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लूंगा। अब हम यहां पर इसके बाइंग वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, बाइंग वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहां पर हमें इस स्मार्टफोन की लाइव इमेज देखने को मिल जाएगी, जिससे आप इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक, इस स्मार्टफोन का कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। नीचे आप इस स्मार्टफोन को कौन से कलर में लेना चाहते हैं वो कलर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसमें 3 कलर ऑप्शन आते हैं, तो वो भी आप चूज कर लें। उसके बाद में आपको चूज करना है कि आप कौन सा इसका वेरिएंट लेना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, 6GB 128GB या फिर 8GB 128GB, आप अपने हिसाब से चूज कर लें। चूज करने के बाद में सिंपली इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर 26,999 रुपये होने वाली है, और इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। साथ में अगर आप यहाँ पर ऑफर वगैरह लगाते हैं तो ऑफर के साथ में इसकी जो प्राइस है वो कितनी रहने वाली है, 22,999 रुपये, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों नीचे आपका जो डिलीवरी एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और अगर आपको डिलीवरी एड्रेस नहीं देखने को मिलता है तो आप अपना सही जो डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ पर, तो आप अपना सही जो डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करें। फिल करने के बाद में सिंपली हमें करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आपको इसे स्मार्टफोन की सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सिंपली हमें यहाँ पर कर देना है बाय नाउ पे क्लिक। हमें यहाँ पर इस स्मार्टफोन की और भी जो डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन की प्राइस, इस स्मार्टफोन की जो टोटल प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 29,999 रुपये। 3,000 रुपये का डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है, और 29 रुपीज़ हमसे यहाँ पर सिक्योर पैकिंग की जो फीस है वो ली जा रही है। टोटल हमें जो अमाउंट पे करना है वो पे करना है 27,028 रुपये। अब पे करने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में सिंपली हमें हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। अब यहीं से पूरा का पूरा जो खेल है वो स्टार्ट होता है। कैसे आप यहां पर बिना क्रेडिट कार्ड के डायरेक्टली आधार कार्ड से ईएमआई पे स्मार्टफोन को ले सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर सिंपली आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे वगैरह कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट में अगर आपका बैलेंस है तो आप वैलेट से भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एटीएम आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, और उसके साथ में नीचे आपको ईएमआई का इजी इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। सिंपली हमें ईएमआई पे क्लिक कर देना है। ईएमआई पे क्लिक करने के बाद में हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जितने भी बैंक्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन सभी बैंक का जो ईएमआई है वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, और इन ईएमआई इसकी मदद से आप यहाँ पर ईएमआई पे कोई भी जो स्मार्टफोन वगैरह है वो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी हमें आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो आधार कार्ड का ऑप्शन आपको सिंपली करना पड़ेगा एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक आ जाना है। सबसे पहले आपको होम वाले सेक्शन पे आ जाना है। होम वाले सेक्शन पे आने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। सिंपली ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों होम पे आने के बाद में नीचे आपको काफ़ी सारे सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, कैटेगरी, नोटिफिकेशन, अकाउंट और कार्ड। सिंपली आपको कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है, मोर ऑन फ्लिपकार्ट का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्रेडिट का, सिंपली क्रेडिट को आपको चूज़ कर लेना है। क्रेडिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप चूज़ करते हैं सिंपली आपके सामने एक सर्विस ऊपर देखने को मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे लेटर। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ही डायरेक्टली बिना किसी बैंक अकाउंट वगैरह को लिंक किए डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से लोन ले सकते हैं, और आप चाहें तो ईएमआई पे या फिर डायरेक्टली पूरा का पूरा जो पैसा है वो फ्लिपकार्ट को एक महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी मदद से आप यहाँ पर आधार कार्ड से जो पैसा है, आधार कार्ड से ईएमआई पे जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर ले सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू
अगर अमाउंट 5000 से ऊपर का है तो आपको यहाँ पर ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको करना है एक्टिवेट नाउ पे क्लिक। एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्लीज़ वेट बोलेगा। सिंपली आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल, अपना आधार कार्ड और बैंक की डिटेल डालनी है। इतने ही डिटेल डालने के बाद में आपका जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और आपको क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाती है और उस पैसे से डायरेक्टली आप बिना किसी दिक्कत के कोई भी स्मार्टफोन, कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट मंथ जो पेमेंट है उसका करना है। अगर अमाउंट जाते हैं 5000 से ऊपर का है तो आपको ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप उस बकाया पैसा को धीरे धीरे करके ईएमआई पे थोड़ा बहुत करके महीने महीने का ईएमआई आपका बन जाएगा और उससे आप यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर चुका सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बिना क्रेडिट कार्ड के आधार कार्ड से ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो तो ये जो तरीका है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूसली शॉपिंग करते हैं और अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो फाइनली इस सर्विस को एक्टिवेट करिए और आपको क्रेडिट लिमिट देखने को मिलेगी और बाकी आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, सही तरीके से लेन देन करते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ भी जाती है। तो ये वो तरीका है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में, आप इस सर्विस को यूज़ करना पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, अपना ओपिनियन हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।